Hi everyone. Hi Ajit. Hi Satyam. So let some other people also join the class. Then we can start. My name is Vinita and I'm a verified educator on Unacademy. I'm also taking live classes on Unacademy Plus. My courses that are coming from June 4th for 2020 batch include there is Environment and Ecology course for 2020 as well as for Mains 2019. And then there is a Mathematics optional course, Mathematics, so comprehensive course on Mathematics optional. Starting from 4th of June, there will be 75 to 80 sessions, 2 hours duration रहेगी session की, mock assignments होंगे, practice questions होंगे उसके अंदर. So you can join those courses under the subscription plan. Half yearly या yearly plan के लिए आप subscribe कर सकते हो. Use my code MVINITA450 to get 10% discount. MVINITA450. You'll get 10% discount on the subscription. सो एम सी क्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करें. दिस इज़ बेसिकली द नाइन्थ लेसन एंड ऑल द अदर लेसन्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी, सो यू कैन वॉच दोज एज वेल. आगे आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है, विद रेफरेंस टू द कोल वेटलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट हैज़ बीन रिकोगनाइज एज वन ऑफ इंडियाज़ इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. इट इज़ लिस्टेड अंडर रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू. सो विच वन इज राइट? Is the right answer of this question is C. Basically, both of the above statements are correct. It has been recognized as one of India's important bird area by BirdLife International. इसके अलावा other parts भी है, जैसे कि नाल सरोवर है, लोकटक है, ये सब bird areas हैं, important bird areas हैं. It is listed under Ramsar's list of wetlands in India. That is also correct. So C is the right answer. ये second question है आपका. Which of the following is correct about Urban Climate Change Resilience Trust, UCCRTF? It was established under the Urban Financing Partnership Facility. The eligible countries to receive support from the fund are Bangladesh and Myanmar only. One only, two only, both one and two, none of the above. येस, वन ओनली इज़ करेक्ट. ये 2013 में फाइन किया गया था अंडर द अर्बन फैसिलिटी, अर्बन फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी. 2021 तक का गोल लेकर ये चल रहा है और इसमें एलिजिबल कंट्रीज सिर्फ बांग्लादेश और म्यांमार ही नहीं है, इंडिया इज ऑल्सो देयर, पाकिस्तान इज ऑल्सो देयर, अदर कंट्रीज आर ऑल्सो देयर, नेपाल इज ऑल्सो देयर. ओके, सो देर आर अदर कंट्रीज एज वेल. ये
ये फंड किसके लिए है, ये फंड किसके लिए कोई मुझे बता सकता है? बेसिकली जो पुअर और वल्नरेबल कंट्रीज़ है, स्पेशली जो एशिया के अंदर पुअर एंड वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, और उनके जो पुअर एंड वल्नरेबल कंट्रीज़ है जो विच आर लाइक जहाँ पर क्लाइमेट चेंज ज़्यादा एक तरह से रिस्क हो सकते हैं, जैसे सी लेवल राइज हो गया, स्टॉर्म्स हो गए, या फिर ड्राउट्स हो गए, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो डिजास्टर प्रोन एरिया जो है, वल्नरेबल एरिया जो है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फंड लॉन्च किया गया था 2013 में अंडर अर्बन फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी। एंड इसमें जो एलिजिबल कंट्रीज़ है कई सारे म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम, एशियन कंट्रीज ही हैं इसके अंदर, एशियन कंट्रीज़ हैं। वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति वॉज बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन? बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, किस किस के बीच में है? इंडोनेशिया, इट इज अ नेवल एक्सरसाइज, बेसिकली इंडिया इंडोनेशिया नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। आगे आपकी इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, इंडोनेशिया नेवल एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना। आगे आपका क्वेश्चन आता है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड हेल्थ, ये किससे रिलेटेड है? चाइल्ड हेल्थ, इट्स नॉट चाइल्ड हेल्थ गाइज, इट्स ह्यूमन राइट्स। बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल का अवार्ड है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का, एंड इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। ओके, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मोस्ट प्रेस्टिजियस ह्यूमन राइट्स अवार्ड है। इट सेलिब्रेट्स इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप्स हु हैव फर्दर द कोज ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड इज रिलेटेड टू एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कैंपेन। अभी ये इस न्यूज़ में था, ये तो इसे रिलेटेड याद रखना। आगे आपका क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन, सिम्बेक्स इज बिटवीन वॉज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, म्यांमार, चाइना, सिंगापुर, किस किस के बीच में? या आई एम डिस्कसिंग फास्ट, फास्ट ही है, आप आंसर करो। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, सिंगापुर, डी इज द करेक्ट आंसर, सिंगापुर। आगे आपका क्वेश्चन आता है, सिक्स्थ क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2019 वाज सेलिब्रेटेड ऑन 6th May, 22nd April, नन ऑफ द अबव, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर नॉट आस्क्ड बट स्टिल यू हैव टू नो अबाउट इट। ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मे इट वॉज, बी इज द राइट, 22nd of May को।
आगे आपका सेवंथ क्वेश्चन आता है कोरल रीफ्स के बारे में, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि वेस्टर्न जनरली क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर एब्सेंट होती हैं क्योंकि वहाँ पर कोल्ड करंट्स होती हैं और कोल्ड करंट्स में अपवेलिंग होती है जिसकी वजह से ऊपर वाला जो वार्म वाटर होता है वो कोल्ड हो जाता है। और आपको पता है कोरल रीफ्स जो होती है वार्म वाटर के अंदर पाई जाती हैं, जो कोल्ड कोरल्स होती है वो रीफ्स फॉर्म नहीं करती है, जो कोल्ड कोरल्स होती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि जो रीफ बिल्डिंग कोरल्स होती है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलती हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन द हायर डेप्थ, नीचे वाली डेप्थ में वो नहीं पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँचती है। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट्स 22nd of May। प्लीज रिपोर्ट एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी कमेंट्स इवन इन द प्रीवियस क्लास देर वर सम अननेसेसरी कमेंट्स जो भी बिकॉज दे आर नॉट हेयर टू स्टडी आई गेस। सेवंथ का आंसर क्या होगा? यस, डी इज द राइट आंसर। तीनों ही स्टेटमेंट्स इसके अंदर सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि कोल्ड करंट्स की वजह से अपवेलिंग होती है, वार्म वाटर जो होता है डाइल्यूट हो जाता है तो वहाँ पर कोरल्स कम पाई जाती हैं। रीफ बिल्डिंग कोरल्स ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं क्योंकि जो वार्म वाटर कोरल्स होती है वही रीफ बनाती हैं, जो कोल्ड वाटर कोरल्स होती है दे आर नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल्स। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये हम कर चुके हैं, छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से कौन सा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, बांदीपुर नेशनल पार्क। Is the right answer of this question is basically? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। 1 and 3 मुदुमलाई एंड बांदीपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा इसके अंदर वो कौन से, मुकुर्ती टाइगर रिजर्व भी है, मुकुर्ती नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो देयर, नागर होल इज ऑल्सो देयर, नागर होल है और एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर, साइलेंट वैली। और एक थोड़ा सा पार्ट जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का भी इसके अंदर है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। पेरियार इज नॉट देयर, पेरियार टाइगर रिजर्व इज नॉट ए पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। So A is the correct answer. With reference to Great Indian Hornbill, consider the following statements. It is found mainly in the forest of central India. It is listed as vulnerable under the IUCN red list. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Yes, Vainad also there. Yes, Shashidhar. Vainad is also there. Vainad is also. This is 9th question.
Yes. You see, B is the right answer. Yes, it is vulnerable in category. Vulnerable category के अंदर है ये, but it is not found in central India. It is found in southern India, western Ghats के अंदर होता है, southern India में ये पाया जाता है. So second statement is correct only. So B is the correct answer. आगे आपका question आता है, which of the following are lion habitats in India? गिरनार सेंचुरी, पनिया सेंचुरी, मितियाला सेंचुरी. One only, one and two only, two and three only, one, two and three. ये इसका क्या right answer है? Tenth. Yes, ninth का B answer है. हाँ यस, वेस्टर्न घाट्स में होता है, सेंट्रल इंडिया में नहीं. सी, इसमें तीनों ही करेक्ट हैं. डी इज़ द राइट आंसर. ऑल दीज आर द हैबिटेट्स फॉर एशियाटिक लाइन. ये सारे गुजरात के अंदर हैं और आपको पता है गुजरात में गिर सेंचुरी जो है वहाँ पर एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं, एंडेमिक स्पीसीज है. आईयूसीएन स्टेटस बताना मुझे क्या है, एशियाटिक लाइन का आईयूसीएन स्टेटस बताओ. और ये तीनों ही गुजरात के अंदर है, मितियाला, पनिया और गिरनार सेंचुरी. सो वन टू थ्री इज करेक्ट. डी इज़ द राइट आंसर. आगे आपका क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्रोजेक्ट और एक्ट और ईयर. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 2012. वन एंड टू, टू एंड थ्री, थ्री ओनली, नन ऑफ द अबव. सो इसका क्या आंसर है, इलेवेंथ क्वेश्चन है. यस, वन एंड टू ऑनली इज करेक्ट. प्रोजेक्ट एलिफेंट का ईयर बताओ मुझे, इन विच ईयर प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज स्टार्टेड. ए इज द करेक्ट आंसर. आगे आपका क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिस इज योर ट्वेल्थ क्वेश्चन. यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट, इट इज द यूएन वाटर फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑन वाटर. इट इज़ ए पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन ऑर्डर टू अचीव वाटर कंजर्वेशन. तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू. इलेवंथ का इज द राइट आंसर. यस, ट्वेल्थ क्वेश्चन आगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992. यस, सी इज द राइट आंसर. बोथ ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ए एंड बी, वन एंड टू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. आगे आपका क्वेश्चन आता है, दिस इज योर 13th क्वेश्चन. पर फ्लोरो ऑक्टेनॉइड एसिड, पर फ्लोरो ऑक्टेनॉइड एसिड प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड एज द इंडस्ट्रियल सर्फेक्टेंट इन केमिकल प्रोसेसेस, एज मटीरियल फीड स्टॉक एंड एज ए मटीरियल फीड स्टॉक एंड इज नोन एज एन एमर्जिंग हेल्थ कंसर्न एंड सब्जेक्ट ऑफ रेगुलेटरी एक्शन एंड वॉलेंट्री इंडस्ट्रियल फेज आउट्स. इट कैन बी एडिड टू द फूड चेन बाई फूड, ड्रिंकिंग वाटर, इंडोर एयर, डस्ट, फूड पैकेजिंग. मतलब किस तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है, इसका जो कंटामिनेशन है फूड चेन में कैसे एंटर हो सकते हैं. वन टू फाइव, वन एंड टू ओनली, फाइव ओनली, ऑल ऑफ द अबव. सो विच इज करेक्ट हियर.
Yes, it is A basically, 1, 2 and 5. Via food, via drinking water and food packaging. Okay, food, drinking water and food packaging. A is the correct answer. Regarding EPFO, Employees Provident Fund came into existence with the promulgation of the Employees Provident Fund's Ordinance, which was passed in 1951. It was later replaced by the Employees Provident Funds Act 1952. Second statement is, the EPFO is under the administrative control of Ministry of Finance. Only one, only two, both of the above, none of the above. So let me tell you, employees provident, both the statements are correct here. These statements jo hai yahan par correct hai. Aage aapka question aata hai. First statement is, Global Platform for Disaster Risk Reduction is a biennial multi-stakeholder forum established by the UN General Assembly to review progress, share knowledge and discuss the latest developments and trends in reducing disaster risk. It is a critical component of the monitoring and implementation process of the Hyogo Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Only one, only two, both of the above, none of the above. Yes, it's Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Sendai Framework is there. So A only, only one is correct about it. Only one is correct. Ministry of High Level Indian Delegation headed by Prime Minister is participating Global Platform for Disaster Risk Reduction. Geneva, Switzerland ke andar hua tha 13 to 17th May 2019. आगे आपका क्वेश्चन आता है डीडीटी के बारे में है. डीडीटी इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑलमोस्ट ओडरलेस क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड. दिस इज योर 16th क्वेश्चन. ओरिजिनली डेवलप्ड एज एन इंसेक्टिसाइड एंड अल्टीमेटली बिकमिंग इनफेमस फॉर इट्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स. सेकेंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है डाइकोफोल इज एन ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड दैट इज केमिकली रिलेटेड टू डीडीटी एंड इट इज अ मिटिसाइड दैट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट स्पाइडर माइट. ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव.
Yes, both of the above statements are correct. Both of the above statements are correct. दोनों ही statements इसके अंदर सही हैं. Our next question is 17th question. It is related to the Green New Deal program, an environment program. इसके it aims to make sweeping changes to the environment and economy, and to meet all of the U.S. power demand from clean, renewable and zero emission energy sources by 2030 is the target year. It takes its name from the former U.S. President Franklin Roosevelt's famous New Deal, a series of economic and social measures जो कि लॉन्च किए गए थे to end the Great Depression. One only, two only, both, one and two, neither one nor two. So both of the above statements are correct. दोनों ही इसके अंदर सही हैं. Both the statements are correct about Green New Deal program. Our next question is, consider the following statements about Biological Diversity Act. First statement is saying it was enacted in 2002 pursuant to the CBD, Convention on Biological Diversity. Tell me whether it is legally binding or non-legally binding. Second statement is saying the Biological Diversity Act 2002 covers intellectual property rights regarding biological resources in India. Yes, C is the right answer. Both of the above statements are correct. दोनों ही statements सही हैं. इसके अंदर बाद में एक National Biodiversity Authority भी set up की गई थी, which is a statutory body. And later it was given an autonomous status. Alright, so both 1 and 2 is correct. Yes, CBD is legally binding. Which of the following best describes the term biotope? Biotope क्या होते हैं? An area of uniform environmental condition, providing living space for specific assemblies of flora and fauna. A transition area between two biomes. It refers to the unique functional role of a species in its habitat. It is the area in which an animal lives and moves on a daily or periodic basis. This is 19th question. देखो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ना बी ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोटोन एरिया ये इकोटोन की डेफिनेशन है इट रेफर्स टू ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ निश फंक्शनल यूनिक फंक्शनल रोल जो फोर्थ स्टेटमेंट है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होम रेंज प्लस हैबिटेट की डेफिनेशन है ये सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर एन एरिया ऑफ यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइडिंग लिविंग स्पेस फॉर स्पेसिफिक असेंबलीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना ए इज द करेक्ट आंसर है 19th में उसके बाद आपका 20th क्वेश्चन है संपन्न स्कीम इज फॉर जेल इनमेट्स पेंशनर्स फार्मर्स लाइफ इंश्योरेंस नन ऑफ द अबव संपन्न स्कीम
यस 20th का बी इज द राइट आंसर. इट इज बेसिकली फॉर द पेंशनर्स, पेंशनर्स के लिए संपन्न. द सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन लॉन्च्ड विल ग्रेटली फैसिलिटेट पेंशनर्स ऑफ द टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड हेल्प इन टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ द पेमेंट्स पेंशंस. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st क्वेश्चन है आपका. 6th इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन भोपाल, न्यू दिल्ली, वाराणसी, मुंबई. 6th इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन वेयर, वेयर इज इट इनॉग्रेटेड? यस वाराणसी, सी इज द राइट आंसर. वाराणसी एंड गाजीपुर विज सॉरी वाराणसी के अंदर इट इज इनॉग्रेटेड वाराणसी. सो सी इज द राइट आंसर. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd क्वेश्चन. ब्लैंक लॉन्च इज टोल फ्री नंबर 1433 फैसिलिटी टू फाइल कंप्लेन थ्रू CSE. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नीति आयोग, NHRC. इट्स डी बेसिकली NHRC. डी इज द राइट आंसर. NHRC ने लॉन्च किया है टोल फ्री हेल्पलाइन टू फाइल कंप्लेन थ्रू CSE, NHRC. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कम्बेट वाइल्ड लाइफ क्राइम. इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू NBA 2002, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट. ओनली वन, ओनली टू, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. ट्वेंटी थर्ड का ए इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड वन इज नॉट करेक्ट. NBA के अंदर नहीं है ये. इट्स नॉट लॉन्च्ड अंडर NBA. ओनली वन इज करेक्ट. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है. इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. रिसेंटली UNEP ने इसको अवार्ड दिया है विद एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2018. क्योंकि इसके कई सारे ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलते थे इलीगल वाइल्ड लाइफ को ट्रैक करने के लिए, इलीगल वाइल्ड लाइफ को कम्बैट करने के लिए. यस 23rd का ही. उसके बाद 24th क्वेश्चन यहाँ पर आता है. द बोर्ड ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन प्रपोजल टू द एक्विजिशन ऑफ अप टू 51% स्टेक इन स्टेट रन लेंडर ब्लैंक NHB, SIDBI, IDBI, NABARD.
Yes, it's IDBI basically. It's IDBI Bank, okay? Our next question is, the Union Cabinet chaired by PM Narendra Modi has approved this to set up two more underground crude oil storages in Chandikol, Karnataka, Padur, Odisha. Only one, only two, both of the above, none of the above. Yes, none of the above statements are correct क्योंकि locations जो है वो की गई हैं, interchange की गई हैं, locations interchange की गई यहाँ पर, चांदीखोल उड़ीसा एंड पादूर कर्नाटका. गुड. Our next question is, what is जय हिंद 1S, an aircraft, a missile destroyer submarine, a satellite, a space probe by ISRO. 26th question है. Also, let me know why it was in news. क्यों news में थी है? So C is the right answer. It is basically a satellite. Satellite, a 4 cm cube satellite. Yes, 26 का C is the right answer. Our next question is 27. Consider the following statements with respect to plastic pollution. First statement, UNFCCC ने launch किया the Clean Seas campaign to eliminate microplastics in cosmetics and the wasteful uses of single-use plastics by the year 2022. Presently, there exists no global legal treaty which aims to reduce plastic pollution like carbon emission. One only, two only, both one and two, neither one nor two. Yes. नो, 27 का आंसर है इसका टू ओनली इज करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये याद रखना, इसका यूएनईपी का, इट्स यूएनईपी, इट्स नॉट UNFCCC, यूएनईपी का है ये, यूएनईपी का है. सो टू ओनली इज करेक्ट है. कोई भी ऐसे ग्लोबल लीगल ट्रीटी नहीं है विच एम्स टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन. इसमें ये चीज़ याद रखना कि ग्लोबली जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होता है, दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक. 50% प्लास्टिक इज यूज, दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक बेसिकली. Our next question comes, 28th question, which of the following is correct about the Hilsa fish? It is known to migrate from the Bay of Bengal into the river Ganga till Allahabad. It is listed as vulnerable under IUCN red list. One only, two only, both one and two, neither one nor two. The right answer of this question is one only. One only is correct. Second one is not correct. Can somebody tell me what is the IUCN status of this fish? ये अभी न्यूज़ में थी बिकॉज इट इज सो मच थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग. ओवर फिशिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन में है. काफ़ी थोड़े बहुत ही कम एरिया के अंदर ये बची हुई है.
Our next question is, which is not a toxic heavy metal? 29th question. It is not a toxic heavy metal. Arsenic, lead, cadmium, all are heavy metals. All are toxic heavy metals. Yes, the right answer of this question is yes, all are heavy metals. All are the toxic heavy metals. This is correct. D is correct. Our next question is 30. Which country has become the world's first country to measure its success based on the well-being of its citizens? Australia, New Zealand, Norway, Sweden. Yes, it's New Zealand. It's New Zealand. B is the right answer. It's New Zealand. 30th ka B. Okay, next question aapka aata hai yahan par. 31st. Consider the following statements. Hawk deer is found in the Kabul Ramjao National Park in Mizoram. The hawk deer or panda is an endangered species in IUCN Red List and is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. One only, two only, both one and two, neither one nor two. The first statement is definitely not correct. First statement is not correct. Even if it is present in Kabul Ramjao, then Kabul Ramjao is not in Mizoram. It's in Manipur. Second statement is correct here. Second statement is correct. Endangered species hai, and it is protected under Wildlife Protection Act 1972 Schedule 1. Yes, 31st. C is not right. It's two only, Shashidhar. C, it's written Mizoram. Mizoram likha hua hai. 32nd question hai. Consider the following statement about ghost nets. Sometimes in news, these are commercial fishing nets that have been lost or that have been abandoned or discarded at sea. Ghost nets cause damage by entangling live coral, smothering reefs and introducing parasites and invasive species into the reef environments. One only, two only, both one and two, neither one nor two.
यस 32 का सी आंसर है, बोथ वन एंड टू इज करेक्ट है, घोस्ट नेट्स के बारे में दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट. इट असेसेस हाउ प्रोटेक्टेड एरियाज कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीविंग द एच ई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स. इट इज मैनेज्ड बाई यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर विथ सपोर्ट फ्रॉम IUCN. वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन नॉट टू. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर, सी इज द राइट आंसर. दोनों ही स्टेटमेंट्स ये अबाउट प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट. ओके ये क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म जामदनी रिसेंटली सीन इन द न्यूज. इट इज़ ए क्लाइमेट फ्रेंडली फाइन मुस्लिम टेक्सटाइल ऑफ बंगाल. इट इज़ ए ट्रेडिशनल एंटी फंगल टेक्निक फॉर कॉटन क्लोथ्स. इट इज़ नीम बेस्ड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड. इट इज़ क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्निक ऑफ पेंटिंग ऑन द वॉल. ये GI टैग में भी है और ये बांग्ला ये GI टैग के अंदर भी इंक्लूडेड है. 34th question. येस गुड. इट्स बेसिकली इट इज़ ए क्लाइमेट फ्रेंडली फाइन. आपने साड़ीज नाम सुनी होगी, साड़ीज आती तो ये बांग्लादेश के अंदर इट इज़ क्वाइट पॉपुलर. GI टैग भी मिला हुआ इसको और ये यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर भी इंक्लूडेड है. हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर भी इंक्लूडेड है. आगे आपका क्वेश्चन आता है, द टर्म एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग समटाइम्स मैंशन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू CBD साइट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. ये किससे रिलेटेड है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग. सो बेसिकली दिस इज फ्रॉम नागोया प्रोटोकॉल. नागोया प्रोटोकॉल और नागोया इज ए सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट अंडर CBD. CBD के अंदर सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट है. सो ए इज करेक्ट. नागोया प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 2010. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज करेक्टली मैच्ड. स्वालबार्ड आर्चिपेलागो, इट इज आर्कटिक ओशन, गैलापागोस आइलैंड, पैसिफिक ओशन, लक्षद्वीप, इंडियन ओशियन. सो विच आर करेक्टली मैच्ड. थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली टू एंड थ्री ओनली वन टू एंड थ्री. सो टेल मी द राइट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन एंड देन यस 36 का आप ये बोल रहे हो यस CBD इज द राइट आंसर. 35 था वो, ये 36 है. ओके सो टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बाकी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा 28th को होगा एट द सेम टाइम 28th 9 PM. Please be there as well. Okay. So thanks a lot. Thank you so much. Let's conclude it here.